कितने का टायर डलता है भैया? ये 3 लाख रुपए का सिंगल टायर। और रिम कितना है क्या? रिम ऊपर, रिम टायर दोनों मिला के 3 लाख बताया ना। अब दोस्त बहुत बहुत ज्यादा मीठा ना डालो ना, तो फर्क चेक करो, फर्क चेक करो। ब्लैक रिम इस टायर से ये वाला टायर ज्यादा प्यारा है। क्यों जी? मैं पागल वागल हो गया, रिवाइंड करूं जरा। इस टायर से ये वाला टायर ज्यादा प्यारा है। अबे बावली सीरी का पागल वागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? बहुत प्यारा है, बेहतरीन है इसकी तरह। यहाँ पे ये टायर कहीं पता नहीं यहाँ से कहीं फूला हुआ था, ये भी मैंने रिपेयर होने के लिए दिया है, तो वो देखें कितना खूबसूरत रिम लगा हुआ है। माशाल्लाह बेहतरीन लग रहा है सही। चल झूठा, क्या लुक आ रही है। अभी ये वाला लगवाना है जीप का टायर। क्यों है डिंगिया लता पुलिस मुकाबले? अच्छा ये तो सीन ही है कि अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल ही लुंडी हुई हुई है, बिल्कुल इतना सा टायर लगा, इतनी सी स्टेपनी लगाई हुई हमने टायर को। आपने पिछले क्लिप में देखा है टायर हम दे के आ गए हैं रिपेयर होने के लिए, टायर में मेरे बबल बन गया था, तो क्योंकि हमने ज्यादती भी तो थोड़ी ही की हुई ना, 17 का टायर लगाया हुआ है, तो बस यही होता है। तो अब इन भाइयों की भी उंगल हुई हुई है, ये कह रहे हैं जी मैंने भी अपनी गाड़ी में 17 का टायर डालना है। मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना लगाओ, चलो 16 डाल लो, लेकिन नहीं सुन रहे। अब मैं क्या कहूँ, देखो मेरी गाड़ी में 15 आता है, मैंने 2 इंच ऊपर डाला हुआ 17, इसी गाड़ी में 14 आता है, ये 3 इंच ऊपर जाना चाह रहा है, तो वो ज्यादती हो जाती है गाड़ी के साथ बहुत ज्यादा। भी वो चाचू भी हमें यही कह रहे थे कि आपने गाड़ी के साथ ज्यादती की हुई है, तो इनको भी बहुत शौक आया है अपनी गाड़ी के साथ ज्यादती करने का, तो इनके साथ भी वो करेगा, इनको तब भी सुकून आएगा। क्यों जी? ये सोच रहे हैं कि अभी हम 17 का रिम टायर डालें, इनको जगह से मिल रहा है और मिल रहा भी जायज़ है, तो मेरा तो फिलहाल इनको मशवरा यही है कि ले लो और 7-15 की भी रखो अपने, जब ज़्यादा किसी गंदे एरिए में जाना हो तो 15 के डाल लिए, और जब शोशा मारनी हो तो 17 डाल लिए, लेकिन अब रोज़ रोज़ चेंज भी बंदा क्या करे। अभी इसी कश्मकश में घूम रहे हैं हम, क्या कर सकते हैं, लेकिन तुम ले के ही आराम करोगे तो ठीक है ये लोंडा। तुम्हारी जो है ना सुकून नहीं है तुम्हारे अंदर, है ना ख़ारिश लगी हुई है तुम्हें बड़ी सख्त ना, यूज़ हो जाते हैं कहीं ना कहीं। चौधरी मीम अली सरकार, ये हम कट कर देंगे नो प्रॉब्लम। तुम क्या कर सकते हो, तुम भूल जाते हो एडिट हमारे हाथ। अच्छा नाजरीन मैं कोई चीज़ बताऊँ, ये भाई और एंड में आके ना कोई ऐसी वैसी बात या ऐसी वैसे इशारे करते हैं, मैं कहा यार तुम भूल रहे हो एडिट मेरे हाथ में, मैं ये चीज़ रिमूव कर सकता हूँ। पहले से आराम है। The next day. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सीन यह है कि ये डैशबोर्ड आप लोग खुला हुआ देख रहे हैं, इसके खोलने की वजह यह है कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड में घुस गया था चूहा। वो चूहा पता नहीं ये एक मनहूस चूहा अभी किस तरह का, मैं रोज खोल के देख रहा हूँ लेकिन वो मेरे लगे गाड़ी से निकल गया, मुझे समझ नहीं आ रहा किधर है। इससे पहले आपने एक और व्लॉग देखा होगा जिसमें हमारे घर के एसी की तबाही उतार गया था वो, अब उसकी मर्जी थी कि गाड़ी की तबाही उतारूं, मुझे तो डर पड़ा था कुछ तार शार ना उतार दे। फिर अभी इसको मैंने बोला ज़ुहेब साहब को, ये हेलो बाय बाय साहब हेलो कर दो, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा ये मेहरबानी कर डैशबोर्ड खोल के रख, ये ना हो इसके अंदर चूहा घुसा हो, तो अगर कहीं सामने हुआ तो आज अगर समझ आ जाती है बंदे को कि अंदर ही है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया, इसका मतलब कि निकल गया गाड़ी से बाहर। दूसरी चीज ये कि अभी मैं जा रहा हूँ, गाड़ी का टायर जो है इस साइड का वो दे के आया था ठीक करवाने के लिए। मैं आपका जीना हराम कर दूं। तो जैसे कि आपको बताया कि मैं गाड़ी का जो साइड का पिछला टायर है वो दे के आया था रिपेयर होने के लिए, उसमें बबल बना हुआ था, तो अभी मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे 3 बजे का उन भाई साहब ने टाइम दिया था कि 3 बजे तक हो जाएगा, लेकिन हम 3 बजे खले हुए थे सोए हुए थे, अभी हमारी आँख खुली है तो हमने कहा जाके पहले ये काम करें, जाके टायर गाड़ी का चेंज करवाएं, तो अभी मैं जा रहा हूँ गाड़ी का टायर लेने, क्योंकि इसके अंदर तो इतनी बदरकी लग रही है गाड़ी, बिल्कुल छोटा सा टायर लग रहा है, मतलब ना गाड़ी यूं ही हुई है। अच्छा तो जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, जहाँ तक मेरा ख्याल नहीं है बल्कि सच में गाड़ी ने एक साइड से यूं हुई हुई है, यूं हल्की सी है, यूं टेढ़ी सी, क्यों? क्योंकि 3 टायर हैं बड़े, 1 टायर है बिल्कुल छोटा सा, वो मेरे लिए 15 का है, तो बाकी 17 के हैं, तो गाड़ी थोड़ी अजीब सी हुई हुई है। क्या लफ्ज इसके लिए मैं इस्तेमाल करूँ, लख दे लायक तेरे मुंह ते, कोई लफ्ज मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। खैर चलो चलते हैं जाके टायर लेते हैं और फिर आपको आगे बाकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सिनेमैटिक नोवा जी, आप देखो यार कितनी अजीब लग रही है, वैसे मुझे कुछ हद तक अजीब भी लग रही है, कुछ हद तक ठीक भी लग रही है, देखो ज़रा।
ये आ गया जी हमारा टायर, उतर चलाएंगे मारा ये दे दे पकड़ ले। कुछ भी नहीं करेगा, इसको पीछे लगा लो, पहले पीछे ही बस पीछे लगाया, कुछ भी नहीं हवा हवा कितनी रखी है, हवा चेक करा लेना पंप से, जब लगवाएंगे इसको बोलना चेक कर। अच्छा जी, तो अभी मैं वापस आ गया हूँ, टायर अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपना गाड़ी का लगवा के, तो अभी ये सदर पहुँचूँ मैं, आप सबको अपडेट कर दूँ। थैंक्स, आपको अपडेट किए बगैर मैं सुकून भी नहीं आता। लव यू। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अभी मैं ये उस्मानी के बाहर आ गया हूँ, ऊपर जाता हूँ, जा कर देखता हूँ क्या लेना है मैंने, अभी तक मैं कोई डन नहीं हूँ मैंने लेना क्या मैं। अच्छा, एक मेरे अंदर ये भी बीमारी है थोड़ी सी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कहीं जाता हूँ तो मेरे पास मैं श्योर नहीं होता मैंने लेना क्या। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, अभी जाऊंगा ऊपर जाके इनका मेन्यू देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं मैं कोई क्या कुछ पसंद आएगा तो फिर वो लेके उसके बाद आऊंगा। दूसरी चीज मैं बता दूंगा, ऊपर जाके वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप डायरेक्ट मैं आपको अगले क्लिप में मिलूंगा, खाना लेके गाड़ी के अंदर घुसूंगा, उससे पहले मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा। ऐसा यार बंदा यूं यूं करके देखते, कई बंदों के इतराज भी होता है, तो इसलिए मैं तो वीडियो नहीं बना रहा, ब्लॉग नहीं बना रहा, वापस आए गाड़ी में बनाऊंगा। क्यों जी, ये देखें हमारी मेहनत है, अभी हमने हम व्लॉग बना रहे थे तो ये बीच में आ रहे थे, मैं कर उनको थोड़ा साइड पे कर भाई, तो ये देखा ये भी मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग में, कोई व्लॉगिंग इतनी इजी भी नहीं है भाई। सही कह रहे हो सर आप, इतनी आपने समझी हुई है। क्यों जी, यस। अच्छा जी, तो सीन ये है कि अभी मैं जा रहा हूँ घर वापस, क्योंकि वो कह रहे थे खाने को थोड़ा सा टाइम है 20-25 मिनट, तो मैंने कहा फिर किधर इतनी देर बैठेंगे, घर चलते हैं, जाए गाड़ी खड़ी करते हैं, बाइक निकाल के आ जाते हैं। इसने लाइटें जड़े के बच्चे ने फुल की हुई है, कह रहे डब्बे वाले ने। निकल लो।